अकबर के डेरे की पूरी तस्वीर है। ये तंबू है अकबर की और इसके पीछे। भाईजान, आप ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस डेरे के अंदर एक सुई तक ले जाना नामुमकिन है, फिर हम अकबर को मारेंगे कैसे? इस बात की फिक्र तुम लोग मत करो, इस बार डेरे के अंदर हथियार पहुंचा कर दूंगा। ये जुग्गी है, हमारा खास आदमी, यही हथियारों को डेरे के अंदर तक पहुंचाएगा। लेकिन अब्बा हुजूर कैसे? जुग्गी, कमाल का बंदा है भाईजान। भाईजान, इसके पेट में हम चार फाले अकबर के डेरे तक पहुंचा सकते हैं। भाईजान, इसकी मुठ कैसे ले जाएंगे? उसका भी इंतजाम कर दिया है हमने। अब इन मुठों को हम इस बाजे के साथ इस तरीके से लगाएंगे कि ये इस बाजे का हिस्सा बन जाएगा और किसी को कोई शक नहीं होगा। वाह 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 वाह। हम उम्मीद करते हैं कि आपने अंदर के इंतजाम भी उतने ही अच्छे करवाए होंगे जितने बाहर के ये इंतजाम आपने अच्छे करवाए। जी जापना, ये हमारी सिपाहियों की मेहनत है। जापना, आप सफर से आए, थक गए होंगे, चलिए अपने तंबू में आराम कर लीजिए। चलिए आइए। ठहरो, कौन है आप लोग? हम कव्वाल हैं हुजूर। ख्वाजा गरीब नवाब के अदब में कव्वालियां गाते हैं। यहाँ बादशाह सलामत को ख्वाजा गरीब नवाज की कव्वालियां सुनाएंगे। सिपाहियों, इनके सामान की तलाशी लो। वजीर आजम, सब कुछ ठीक है। ठीक है, इन्हें जाने दो। तशरीफ रखिए। खुदा की बंदगी में तैयार की गई आपकी कव्वाली पेश कीजिए। वो शम्मा जिसने भी देखी वही परवाना बन बैठा, मैं भी नूर मोइनुद्दीन का दीवाना बन बैठा। जापना, ख्वाजा गरीब नवाज के दर से शरबत आया है, तो पहले शरबत पी लेते हैं और फिर रात भर कवाली जारी रहे। पीजिए। क्या हुआ? ओ, 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 भिखारी! पकड़ लो इन्हें। अब क्या है बीरबल? जापना, ये लोग आपको यहाँ मारने आए। जुग्गी मियाँ एक मदारी और इनमें एक खास हुनर है जापना। ये गुप्ती के चार चार फाले एक साथ अपने पेट में छिपा कर रखते हैं और वक्त आने पर उसे निकालते हैं। और इसी गुप्ती की मुट्ठी यानी कि ये अपने बाजे का हिस्सा बनाकर लाते हैं। हम राजा बलोच की बेटी हैं। ये सारा षड्यंत्र हमने इसलिए रचा क्योंकि हम अपनी वालिद की हार का बदला लेना चाहते थे। काश कि हम एक ऐसे फकीर की बारगाह में ना होते जिसने दुनिया को सिर्फ प्यार करना सिखाया, तो हम आप लोगों का ऐसा हश्र करते कि आप याद रखते।
कि कायरों की तरह पीठ पर वार करने वालों को हम माफ नहीं करते। आप लोग शुक्रिया अदा कीजिए ख्वाजा गरीब नवाज का, जिनकी वजह से आज आपकी जान बख्शी जा रही। जी हाँ, हम आप सबको माफ करते हैं। लड़ाइयों से ना कभी इंसान का भला हुआ है ना इंसानियत का। फिर भी अगर आपको लड़ाई करने का इतना शौक है तो अगली बार सामने से वार करने की हिम्मत रखिए। जाइए जरा जल्दी से, हमारी नजरों के सामने से हट जाइए।